find any culture, we don't find any civilization. Confirm that? Ultimately, English literature was a totally barren, uncultivated. We don't find any type of thing in which we can feel proud. कि हाँ इसमें इतना काम हुआ है. Second जो age है वो कौन सा है? The Middle Ages. And this Middle Ages covers the period from 1066 to 1450. 1066 से लेकर 1450 ईस्वी तक का जो period है उसको हम किसके नाम से जानते हैं? Middle Ages. और इस Middle Ages में पहला जो है Anglo-Norman period. What is? Anglo-Norman period. इस Anglo-Norman period से तीन क्वेश्चन आता है. We find how many questions? Three important questions we find. और वो भी तीनों का तीनों ड्रामा से related है. इस समय ड्रामा में एक आया था मिराकल प्ले. कौन सा प्ले? मिराकल. एक आया था आपका मिस्ट्री प्ले. एक आपका आया था मोरालिटी प्ले. और एक आपका आया था इंटरल्यूड. इट केम इंटरल्यूड. When we talk about miracle play, always remember that कि miracle play it is based on the life of saints. जब saints की ज़िंदगी को ले करके उस समय जो drama लिखा गया था उसको हम किसके नाम से जानते हैं? Miracle play. And the ultimate source of the miracle play was the Bible. Miracle play का जो ultimate source था वो क्या था? Bible था. तो miracle play means based on the life of saints. Saints. And the ultimate source was what? The ultimate source was Bible. Bible. Mystery play, it was based on the life of Jesus Christ. वह प्ले जो जीसस क्राइस्ट की लाइफ को उनकी क्रूसिफिकेशन को लेकर के परफॉर्म किया गया था मिडिल एज में उसको क्या कहा गया था? मिस्ट्री प्ले. एंड मोरालिटी प्ले वाज अ सेकुलर प्ले. इन दिस प्ले वी डोंट फाइंड द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सेंट्स द लाइफ हिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट बट अल्टीमेटली कॉमन राइटियस मैन आर आई जी एच टी ई ओ कॉमन वर्चुअस मैन. कंफर्म हो रहा है? इंटरल्यूड. इंटरल्यूड इज अ लैटिन वर्ड और इसका मतलब होता है कि बिटवीन द प्ले. इंटरल्यूड जो आपका ये लैटिन वर्ड है इसका मतलब बिटवीन द प्ले. व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरल्यूड बिटवीन द प्ले इट इज आल्सो नोन एज कॉमिक रिलीफ. इसको हम किसके नाम से जानते हैं? कॉमिक रिलीफ के भी नाम से जानते हैं. सेकेंड थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि व्हेन वी टॉक अबाउट द मोरालिटी प्ले तो आपको ध्यान में रखना है मोरालिटी प्ले से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोरालिटी प्ले का सबसे अच्छा एग्जाम्पल एवरी मैन. Every man was a well-known example of morality. Morality play का सबसे अच्छा example every man. Interlude का जो है Thomas Beowulf का 4 PS. 4 PS करके है वो बहुत important नहीं है. कभी पूछा भी ऐसा नहीं गया है खासकर TGD PGD में. But you have to go. तो I was just telling you कि miracle play, mystery play, morality play and interlude. Miracle play a type of play based on the life of saints. Mystery play a type of play based on the life of Jesus Christ. Morality play a type of play based on the life of common man, virtuous men. That's more of virtuous people are virtuous men. Interlude is a Latin word which means between the play. वो between the play की बात करता है. And this between the play का मतलब क्या? Comic relief also. जब हम Anglo-Saxon पे बात कर रहे थे तो यहाँ पे मैंने आपको एक क्वेश्चन बताना भूल गए थे कि Anglo-Saxon में से एक क्वेश्चन बनता है कि उस समय इंग्लिश लिटरेचर का पहला एपिक आया हुआ था एंग्लो सेक्शन में और उस एपिक का क्या नाम था? Beowulf. पहला इंग्लिश एपिक जो है वो कब आया है? एंग्लो सेक्शन पीरियड में. मींस 450 से 1066 के बीच में आया हुआ. उसको हम किसके नाम से जानते हैं? Beowulf. और Beowulf वाज द फर्स्ट एपिक इन इंग्लिश. इंग्लिश इट वाज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी. इट वाज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी. As we know कि epic is a long narrative story in words. जो epic होता है वह long narrative story in words है. लेकिन epic की खासियत या क्या होती है? It has a grand style, elevated or quasi divine figure, or we take such a type of subject matter that belongs to human race. That decides the fortune of the nation. कंफर्म हो रहा है? उसको लेकर के तो जब एपिक लिखा जाने लगा तो एपिक के दो रूप होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ एपिक. पहला आपका प्राइमरी एपिक होता है, दूसरा आपका सेकेंडरी एपिक. जो प्राइमरी एपिक होता है उसके इवेंट्स, उसके कैरेक्टर्स, उसका जितना भी चीज होता है वह सब ओरल फॉर्म में पहले था और उसको दैट वॉज लर्न बाई एंड ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. लोग उसको जबानी रटे रहते थे और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को उसको क्या करते थे? पहुंचा देते थे. तो Beowulf जो है क्या है? इंग्लिश का पहला जो है
आपका एपी का और किसका एग्जाम्पल है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी। आप इसी तरह से जब आप लिटरेरी एपिक की बात करेंगे तो लिटरेरी एपिक का सबसे पहला एग्जांपल अगर हम इंग्लिश लिटरेचर में देखें, ऑथराइज्ड जो एग्जांपल है, ऑथेंटिक जो एग्जांपल है, दैट इज जॉन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट। दुनिया में अगर हम बात करते हैं तो दुनिया में पहला जो एग्जांपल है लिटरेरी एपिक का वो वर्जिल का एनीड, जिसका ट्रांसलेशन सर हेनरी हॉवर्ड सरे द्वारा किया गया था 1540 में। सेकंड एंड बुक वाज दैट वाज ट्रांसलेटेड इनटू ब्लैंक वर्ड्स एंड फॉर ब्लैंक वर्ड्स में, और ब्लैंक वर्ड्स का मतलब क्या होता है, अनराइम फॉर्म ऑफ वर्ड इन आयंबिक पेंटामीटर अनस्टेस फॉलोड बाय स्टेस। तो हम अगर किसी एज पे लेके चले तो हमें ये भी जानना जरूर उस एज से क्या क्वेश्चन बन सकता है, क्या आता है। तो अभी तक हम लोगों ने केवल किस पे बात किया, एंग्लो सैक्सन पे बात किया, एंग्लो नॉर्मन पे बात की। एंग्लो सैक्सन जो है दो ट्राइब के नाम पर रखा गया, एंग्लो नॉर्मन भी जो है दो ट्राइब के नाम पर, नॉर्मन भी क्या थे ट्राइब के। 1066 ईस्वी में एक वार हुआ था, उस वार को क्या कहा जाता है, नॉर्मन वार, नॉर्मन वार या वार ऑफ हास्टिंग्स। इस वार को और उस वार में जो है क्या, कौन डिफीट हुआ था, सैक्सन डिफीट हो गए थे। सैक्सन की जगह कौन ले लिया था, नॉर्मन ने ले लिया था।